हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो मिडिल एज के अंदर गठिया बाय की बीमारी होती है, जो बहुत ही कॉमन होती है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो जोड़ों के अंदर अकड़ाहट लगती है और ख़ास तौर से यंग फीमेल जो कि लगभग 25 से 35 की एज में बीमारी शुरुआत में आती है और एक जोड़ से शुरू होती है, कई बार बहुत सारे जोड़ों में एक साथ होती है और सुबह उठने पर अकड़ाहट महसूस होती है, सूजन आ जाती है जोड़ों में, बीमारी बढ़ती है तो जोड़ टेढ़े मेढ़े लगते हैं, हाथ के अंदर, पैरों के अंदर, कई बार हिप्स के अंदर यानी कूल्हों के अंदर, कोहनी में, रिस्ट में, फिंगर्स में, कई सारे जोड़ों को ये इन्वॉल्व करती है। तो इस बीमारी को हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कि जोड़ों के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है और वो इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक होता है। ये बीमारी, जैसे अगर हम एक जोड़ की बात करें, इन्हें दो हड्डियां माने और इनके चारों ओर सॉफ्ट टिश्यू को माने, यानी कि जो मसल्स हुई, मांसपेशियां हुई, टेंडन लिगामेंट्स हुए, तो ये बीमारी सीधी जोड़ों पे नहीं आती है, पहले आसपास के मसल के अंदर, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर आती है, जिसकी वजह से हमें सूजन दिखती है जोड़ों के ऊपर। जब सूजन से बीमारी बढ़ती है आगे की तरफ तो ये फिर जाके जॉइंट्स के अंदर चली जाती है। जॉइंट्स में जाने के बाद धीरे धीरे जॉइंट्स के ऊपर जो कार्टिलेज लगी हुई होती है उसको ये ख़त्म कर देती है और धीरे धीरे, पहले जो शुरुआत हुई थी बीमारी सॉफ्ट टिश्यू से जहाँ पेन था, स्वेलिंग थी, धीरे धीरे गठिया वाली कंडीशन आती है, जोड़ की जो सरफेस जो पहले बिल्कुल स्मूथ थी, चिकनी थी, उसके अंदर दरारें आ जाती हैं और वो पेनफुल हो जाती है। बीमारी पेनफुल ही रहती है, ये हमारी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की तरह होती है, जहाँ पे एक बार बीमारी शुरू हुई तो ये बीमारी ख़त्म नहीं होती है। दवाइयों से हम इस बीमारी को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, जो इस बीमारी की बढ़ने की गति होती है उसको दवाइयों से हम कम कर सकते हैं, पर इस बीमारी को हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि ये बीमारी अगर हो रही है तो हमारे दिमाग में सवाल आते हैं कि भाई हमें ही ये बीमारी क्यों हो रही है। तो इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे जेनेटिक कंपोनेंट होते हैं कि जेनेटिक्स की वजह से ये बीमारी किसी खास इंसान में आने के चांसेस होते हैं, और कुछ बार लोग बोलते हैं कि कुछ पर्टिकुलर जीन्स भी होते हैं, जैसे HLA-DR4 या HLA-D12-DW, कुछ इन्फेक्शंस भी बोलते हैं कई बार इसको, इन्फेक्शन को इनिशिएट कर सकते हैं, इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन और उसके बाद जोड़ों की बीमारी हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसे ऐसे समझिए कि हमारी बॉडी को बचाने के लिए जो सिस्टम होता है कि जो हमें बीमारियों से बचाता है, वही सिस्टम हमें परेशान करता है, हमारे अंदर बीमारी क्रिएट करता है, इसीलिए इसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं। तो मोटी बात क्या होती है कि जो हमारी इम्यूनिटी की सेल्स होती हैं जो बीमारी से बचाती हैं, वही सेल्स यहाँ पे इन्फेक्शन यानी इन्फ्लेमेशन और साइटोकिन्स को बढ़ा के पहले कार्टिलेज और बोन को इन्वॉल्व कर लेती है और वो जोड़ को ख़राब कर लेती है। फीमेल के अंदर बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, मल्टीपल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, रीढ़ की हड्डी में अगर ये बीमारी जाती है तो केवल सर्वाइकल वाले पार्ट के अंदर जाती है। कुछ जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है तो ये रूमेटॉइड नहीं हो सकता, जैसे कि सबसे आखिर वाला जो हिस्सा होता है उंगली का, जिसे हम DIP इंटरफिलिंजल जॉइंट बोलते हैं, तो ये बीमारी नहीं हो सकती है, या पीछे बैक में एक सैक्रोइलिक जॉइंट है, अगर ये बीमारी वहाँ है तो भी ये नहीं हो सकती है। तो ये खाली जोड़ों की बीमारी नहीं है, रूमेटॉइड जब काफ़ी बढ़ी हुई स्टेज में होती है तो ये बीमारी लंग्स में फैल सकती है, ये बीमारी स्किन के अंदर नोड्यूल की फॉर्मेशन में हो सकती है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो स्किन की होती है वहाँ हो सकती है, हार्ट को भी अफेक्ट करती है, नर्व्स को भी अफेक्ट करती है। तो जब बीमारी बढ़ी हुई स्टेज में होती है तो ये इन सब हिस्सों को करती है, ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं उनको, जैसे हीमोग्लोबिन कम कर देगी, एनीमिया कर देगी, रूमेटॉइड के पेशेंट के अंदर एनीमिया की कंडीशन काफ़ी कॉमनली मिलती है, प्लेटलेट्स जो होती हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाती है, आइज़ का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। उसके अलावा जो ये बीमारी होती है तो ये कई सारे रिस्क फैक्टर जो इन्फ्लेमेशन की वजह से आते हैं उनको बढ़ा देती है। अब इसको पहचाना कैसे जाए, तो जो डायग्नोसिस बनती है वो हिस्ट्री से बनती है कि आप अगर डॉक्टर को बताएंगे आपकी एज जो है वो 30s में है, 40s के बीच में है, 25, 30, 40 के बीच में है, फीमेल पेशेंट है, वो बताती हैं कि जब सुबह उठते हैं तो सारे शरीर के जोड़ अकड़े हुए रहते हैं, करीब करीब आधा घंटे काम करने के बाद भी अकड़े रहते हैं, तो आपका शक जाएगा कि रूमेटॉइड हो सकती है,
वो बताएंगे कि इन पोरों में तो दर्द होता है पर सबसे आखिर में नहीं होता है, जो आखिरी पोरा जिसे हमने DIP जॉइंट बताया था। उसके अलावा जब आप क्लिनिकली चेक करोगे, उस जोड़ को दबाओगे तो वो पेनफुल होता है, आप जोड़ों के अंदर हाथ पैरों का टेढ़ापन देख सकते हैं, स्किन के नोड्यूल देख सकते हैं, जो मैंने अलग अलग पार्ट बताए थे उनको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हम लैब के टेस्ट कराते हैं, जैसे आर इफेक्टर NTCCP एंटीबॉडीज़, ESR, CRP, यूरिक एसिड, ANA। तो ये जो सारे के सारे टेस्ट जब हम कराते हैं, जिन्हें हम आर्थराइटिक प्रोफाइल के अंदर मानते हैं कि ये आर्थराइटिक प्रोफाइल के टेस्ट हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है। क्लिनिकली हम देख लेते हैं कि हैंड और फीट में डिफॉर्मिटी तो नहीं है, फ्लैट फुट है, हिप के अंदर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, नी में पीछे एक सिस्ट बन जाती है, वो भी रूमेटॉइड के पेशेंट में होती है, और अगर स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट है तो केवल सर्वाइकल स्पाइन का होगा, तो ये हमने डिस्कशन किया है। तो कुल मिला के हमने बीमारी क्या होती है, उसके टेस्ट कौन से होते हैं, उनकी बात कर ली है। उसके बाद बात आती है कि बीमारी जो है अलग अलग इंसान में अलग अलग ग्रेड की होती है, सारे रूमेटॉइड के पेशेंट एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ के अंदर बीमारी बहुत मामूली सी होती है, बीमारी है पर बहुत ही मामूली है, आपने सिंपल सी दवाई खाई और वो जो DMRDs होती हैं इसके लिए दी जाती हैं वो दी और वो पेशेंट ठीक रहता है, वो मेडिसिन खाता रहता है, ठीक रहता है। फिर धीरे धीरे उसकी जो ग्रेडिंग होती है वो 1 से लेके 4 तक होती है। 1 वाली ग्रेडिंग के पेशेंट वो होते हैं जो सारे के सारे काम बिना किसी परेशानी के कर लेते हैं बीमारी होने के बावजूद भी। ग्रेड 2 के पेशेंट वो होते हैं जो काम तो कर लेते हैं पर उनके जोड़ों में दुख और दर्द बना रहता है, वो ग्रेड 2 के पेशेंट होते हैं। ग्रेड 3 के हैं जो काम कर लेते हैं, दुखते रहते हैं, जोड़ परेशानी होती रहती है, सूजन रहती है, जोड़ खराब होते रहते हैं, बट फिर भी वो अपनी साफ सफाई, अपने शरीर की साफ सफाई रख लेते हैं। जो सबसे ख़राब होते हैं, जो पेशेंट इतनी ज़्यादा रूमेटॉइड फैल जाती है कि सारे कूल्हे के जोड़ और घुटने के जोड़ और सारे जोड़ खराब हो जाते हैं, वो बेड रेडिंग हो जाते हैं, ये सबसे ख़राब स्टेज होती है। तो उसी के हिसाब से इनके ट्रीटमेंट के पार्ट आते हैं। देखिए, मेन जो बीमारी है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से है, कि इन्फ्लेमेशन होने की वजह से बीमारी हो जाती है तो हमें उसे कम करना है। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो पहले ग्रुप की ड्रग्स आती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एनएसएड्स, जिन्हें हम आम भाषा में पेन किलर बोलते हैं। पेन किलर के साथ अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, सबको पता है कि कई सारी चीज़ें होती हैं, किडनी ख़राब करती हैं, गैस्ट्रिक अल्सर बन जाते हैं, क्योंकि दवाई इसमें लंबे समय तक चलती है, तो आप लंबे समय तक उसको नहीं दे सकते हैं, शुरुआती पीरियड में आप ये सब दे सकते हैं, या कभी कभी जोड़ों में दर्द बहुत बढ़ जाता है किसी कारण की वश, तब बीच के कुछ पीरियड में आप उनके सेफ्टी प्रोफाइल को देखते हुए दी जा सकती है। दूसरी ड्रग आती हैं DMRDs ग्रुप के अंदर, जिसमें मेथोट्रेक्सेट, सल्फोसेलाजिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और भी ड्रग्स जो होती हैं जो इसके अंदर आती हैं, जो कॉम्बिनेशन में और अलग अलग दी जाती हैं पेशेंट की, कौन सी ग्रेड की डिजीज़ है, किस ड्रग्स से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। इन ड्रग्स का इफेक्ट आने में टाइम लगता है, इसीलिए नॉर्मली जब डॉक्टर्स ये ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो शुरुआत में इन ड्रग्स के साथ साथ पेन किलर और कहीं कहीं स्टेरॉइड साथ में देते हैं, ताकि शुरुआती स्टेज में पेशेंट को आराम मिल जाए, और जब तक इन ड्रग्स का असर आना शुरू हो जाता है तो आप पेन किलर और स्टेरॉइड को हटा देते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है जो शुरुआत में दी जाती है। कई बार ये सब स्ट्रैटेजी भी काम नहीं आती तो स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो बायोलॉजिकल ड्रग्स होती हैं, जो काफ़ी महंगी होती हैं, वो ड्रग्स भी आजकल आई हैं जो कि हायर ग्रेड के रूमेटॉइड की बीमारी में दी जाती हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे कि किसी पेशेंट के अंदर ड्रग्स भी दी जा रही हैं, उसके करते करते एक कूल्हा ख़राब हो गया या दोनों कूल्हे ख़राब हो गए, दोनों घुटने ख़राब हो गए, तो वहाँ रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यंग पेशेंट के अंदर बीमारी है, और जिन लोगों के अंदर बहुत तेज़ी से बीमारी होती है उनकी लाइफ स्टाइल को, उनके जीवन शैली को ठीक करने के लिए ये सर्जरीज की जाती हैं। तो आई थिंक कि मैंने आपको एक बेसिक आउटलुक दिया है। रूमेटॉइड एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ी बीमारी है। आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं कि इसके बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं। हम सब्सिक्वेंट वीडियो में इसके बारे में और आपको अच्छे से जानकारी देंगे, जो इसके ट्रीटमेंट सेगमेंट के लिए, टेस्ट वाले सेगमेंट के लिए और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।